हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू पोस्ट आ गई है जिसका नाम एडीओ है। एडीओ जो है वो रिटन एग्जाम है 2020-21 के लिए। तो सभी अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट रेडी हो जाइए, हम ये पोस्ट के लिए, ये पोस्ट जो आई हुई है इसके लिए, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और इसका पे स्केल। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा पे स्केल है कि ये पोस्ट जो है ये हाई लेवल की पोस्ट है, जो कि जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये पोस्ट निकाली है जिसका नाम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ऑफिसर है जिसको आप एडीओ के नाम से जानते हैं। बट यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, रिटन फॉर्म का क्वेश्चन है। चलिए हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की है एडीओ, ये पोस्ट का नाम एडीओ है। ये एडीओ जो है ये ग्रुप ए की पोस्ट है जो जूनियर, और ये जो इसका एग्जाम जो कंडक्ट करने जा रहा है वो पब्लिक सर्विस कमीशन अरुणाचल प्रदेश। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो जरूर ये पोस्ट को आप फिल कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 43 है। एज क्राइटेरिया मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है, मिनिमम जो है 18 साल और मैक्सिमम आप 32 इयर्स के ये इस स्केल के लिए एलिजिबल है। बात करें पेमेंट स्केल की तो 56,000 से आपका 1,77,500 एंड लेवल ऑफ 10, मतलब पे स्केल काफी हाई है। तो स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो। अब अगर हम देखें, अगर हम यही पोस्ट में देखते हैं कि ये जो फॉर्म है, एप्लीकेशन जो है 28 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो गया है, और अगर हम लास्ट डेट सबमिशन की देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो लास्ट डेट कब है तो 5 फरवरी 2021 को लास्ट डेट है। तो आप प्लीज ये वीडियो को प्लीज अपने जो भी स्टूडेंट एडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट स्पेसिफिकली कौन से स्टेट के होने चाहिए, अरुणाचल प्रदेश के, तो प्लीज आप उसको शेयर कर दीजिए जिससे कि जो बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इन्फॉर्मेशन वहां तक आपका अपने फ्रेंड सर्कल में इसको डिलीवर करिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अलग अलग पोस्ट है, वैसे तो अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया है, बट ये कि पोस्ट कुछ नहीं है, आपको याद रखना है ये सभी कॉमन है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप ए जूनियर स्केल, जिसका एग्जाम जो कंडक्ट कर रहे हैं वो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हम लोगों ने इसको AR लिखा है, अरुणाचल प्रदेश की है इसीलिए। यहीं अगर देखा जाए इंटरव्यू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैसे भी हम देखेंगे कि एग्जाम प्लान क्या है हमारे लिए एडीओ का। अगर देखते हैं जो कैंडिडेट एग्जाम रिटन एग्जाम में 33 मिनिमम मार्क्स ला लेता है, रिटन पेपर में 33 मिनिमम मार्क्स लाना है। अब ज्यादा ला ले तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरा है कि जो टोटल मार्क्स है वो 45% मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ द टोटल मार्क्स, तो वो किसके लिए एलिजिबल होगा। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसका है, इंटरव्यू का। तो यहाँ आपको याद रखना है, एक आपको मिनिमम 33% मैक्सिमम ला लेते तो बहुत अच्छा है, और अगर आपका ओवरऑल जो परसेंट होना चाहिए 45% मार्क्स होने चाहिए टोटल मार्क्स में, रिटन मार्क्स पेपर में। तो यहाँ जो है आप एलिजिबल रहेंगे इंटरव्यू के लिए। बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे एग्जाम प्लान, एग्जाम प्लान हमारे लिए, कोई भी एग्जाम के लिए हमारे लिए एग्जाम प्लान काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम प्लान की बात करें तो जैसे रिटन एग्जाम है तो यहाँ रिटन एग्जाम में जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, एग्रीकल्चर साइंस पेपर 1 पेपर 2, एग्रीकल्चर साइंस एंड इंटरव्यू। याद रखिए एग्रीकल्चर जो ये आपका जो जनरल इंग्लिश है ये आपका है 100 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है 100 मार्क्स का है।
वैसे ही जनरल नॉलेज कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। यही एग्रीकल्चर साइंस पेपर वन की बात की जाए तो हाँ, पेपर वन जो है और पेपर टू जो है वो 100-100 मार्क्स का है, जबकि जो इंटरव्यू है वो 50 मार्क्स का है। ऐसे करके ये टोटल मार्क्स जो आपके है, ये आपका टोटल हो जाएगा 450 मार्क्स, प्लीज याद रखिए। तो हमारा जो वेटेज रहेगा, हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस का है जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, वो पेपर वन पेपर टू एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए ऑलरेडी स्टार्ट की है। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या आप कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि एग्जाम प्लानिंग जो है वो 100 इंग्लिश है, 100 जनरल जीके। याद रखिए जो पेपर वन पेपर टू एग्जाम होगा ये रिटन एग्जाम है, मगर याद रखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका जनरल नॉलेज आएगा। जनरल नॉलेज जो है बिफोर रिटन एग्जाम के पहले जो मिलेंगे आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यही देखते हैं ऑनलाइन क्लास। हाँ राइट, आप जैसे कि सुन रहे हैं एग्री कोचिंग दिल्ली ने रिलीज कर रही है अपना ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो कि अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जाम का है जैसे आप देख सकते हैं। तो यही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप ए है, जूनियर एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जाम 2021। ये क्लासेस को स्टूडेंट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? अगर ये एग्जाम जो है रिटन एग्जाम होने वाला है, इसीलिए ये ऑनलाइन क्लास जो है वो रिटन फॉर्म एग्जाम फॉर्म में स्टार्ट की गई है। यहाँ देख लेते हैं, सिंपल सा वे है कि आप ये ऑनलाइन क्लासेस जो रिटन एडीओ क्लासेस है अरुणाचल प्रदेश की, इसको सिंपल स्टेप में आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सिंपल स्टेप क्या है तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है आपका जो रजिस्टर्ड है, आपकी आईडी एक रजिस्टर्ड होंगी, आपके मेल पर आएगा और आप इजी में वॉच कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ऑनलाइन क्लास में क्या, हमारी स्ट्रेटेजी ऑनलाइन क्लास में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। यस, ये पहला क्वेश्चन है काफी स्टूडेंट के माइंड में, ये क्वेश्चन है कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या होगा। तो याद रखिए ऑनलाइन क्लासेस में हमारे वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, वीडियो क्लासेस होगा, इसमें ही हम फ्री लाइव डिस्कशन क्लासेस देंगे बाय द, तो ये लाइव लिंक जो है आपके ईमेल पर आएंगी एंड ई नोट्स भी इसके साथ प्रोवाइड होंगे। मतलब पेपर वन पेपर टू के जो भी नोट्स है वो सभी इसमें आपको प्रोवाइड होंगे एंड द फाइनल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। हाँ, जैसे कि आपने सुना फाइनल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो रिटन फॉर्म में ही होंगी क्योंकि पेपर हमारा रिटन आ रहा है। तो हमने ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो बच्चों के लिए बनाई है 100+100 क्वेश्चंस की अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, वो रिटन फॉर्म में बनाई है। आपको वो बाय प्रोसेस समझा देंगे जब आप यहाँ रजिस्टर्ड कर, आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं www.agricoachingdelhi.com। और अगर आपको आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो आप नंबर लिख लीजिए 7827679268 पर। तो ये एग्री कोचिंग दिल्ली का व्हाट्सएप नंबर है। ये आपने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में देखा। अब हम डिस्कशन करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या कवर्ड हुए होंगे। सिलेबस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक हाई पोस्ट जिसकी सैलरी 56,000 से स्टार्ट होती है, जैसे कि हमने पे स्केल देखी है एडीओ ग्रुप ए जूनियर की, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है अरुणाचल प्रदेश का, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जाम 2020-21। तो आइए चलिए देखते हैं पेपर वन पेपर टू का सिलेबस। या पेपर वन एंड पेपर टू के पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर साइंसेस। राइट, आप जैसे समझ रहे हो एग्रीकल्चर साइंसेस, तो एग्रीकल्चर साइंसेज में पेपर वन जो है वो 100 मार्क्स आपको दे जाएगा। तो एक वेटेज है ना, वेटेज है थोड़ा सा। तो एग्रीकल्चर साइंस पेपर टू, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे पेपर वन पेपर टू, नो, क्योंकि एडीयू यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक लेके आया हुआ है, इतना इजी नहीं होगा। क्योंकि मैंने बार बार आपको एक चीज याद दिला रही हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ आपको याद रखना है पेपर 100 मार्क्स का है, पेपर टू भी आपका 100 मार्क्स का है और ये दोनों ही पेपर आपके रिटन एग्जाम रिटन का है। तो यही हम देखते हैं वन बाय वन सिलेबस। चलिए, तो हमारे सिलेबस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर वन पार्ट वन। पेपर वन पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे
पेपर वन पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी सेक्शन। पेपर वन पार्ट वन में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एग्रोनॉमी सेक्शन। एग्रोनॉमी सेक्शन में चलिए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का एग्रोक्लाइमेटिक जोन। एग्रोक्लाइमेटिक जोन ओवरऑल तो 15 है, बट हम टोटल बात करें अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक की, तो यहाँ याद रखिए एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर इंडिया का प्लस आपको अरुणाचल प्रदेश का, ये रिटर्न फॉर्मेट में आएगा। फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉप। हाँ, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। हाँ, क्लासिफिकेशन में थ्योरी आपको आ सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में क्या होता है? बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, बेस्ड ऑन सीजन हो सकता है, बेस्ड ऑन आप रिटर्न मार्क्स में कैसे लिखेंगे उसको, कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो हाँ, बेस्ड ऑन सीजन, सीजन तीन टाइप के, खरीफ सीजन, रबी सीजन, जाए यही इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चंस बना रहेगा। बात करें टिलेज ऑपरेशन एंड देयर ऑब्जेक्टिव। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपका रहा कि व्हाट इज द टिलेज ऑपरेशन एंड ऑब्जेक्टिव, क्या होता है टिलेज का? Now the different type of the tillage operation, right? आपने अच्छा सुना, different type of tillage operation is very important, क्योंकि आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। जस्ट मिनिमम tillage, जीरो tillage, अलग अलग टाइप के tillages है, तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करना है। दूसरा यहाँ बात करें इम्पोर्टेंट कल्चर प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम। हाँ, यहाँ जो वैरायटी है क्रॉप सीड सिलेक्शन मेथड ऑफ सीडिंग, यहाँ मेथड ऑफ राइजिंग सीडलिंग, सो ये भी एक टॉपिक है। यहाँ बात करते हैं व्हाट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द क्रॉप रोटेशन एंड द पर्पस। क्रॉप रोटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेशंस क्या है, यही बात करेंगे। व्हाट इज अ इंटरक्रॉपिंग पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग के प्रिंसिपल आपको 5 मार्क्स लिखने में आ गए, तो आप क्या लिखेंगे उसमें? मल्टीपल क्रॉपिंग, हमारे इंडिया का क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। तो ये हमारा एक इन जनरल डिस्कशन रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके प्रैक्टिसेस क्या है, ऑपरेशन या टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पर्टिकुलर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग फॉर द, जैसे आपको यहाँ दिया है अदर सीरियल्स क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, पल्सेस, आप यहाँ कल्टीवेशन ऑफ फील्ड क्रॉप का क्या होता है उसकी ये आपका पैकेज प्रैक्टिसेस, तो यहाँ आपको ये याद रखना है। कैश क्रॉप कॉटन, कॉटन में जो प्रैक्टिसेस होती है निपिंग, जिसको आप टॉपिंग कहते हैं, उसके बारे में आपका रिटर्न आ सकता है। तो आपको यहाँ इन जनरली क्रॉप वाइज क्रॉप स्पेसिफिक दिया हुआ है, और इसमें जो इनोवेटिव क्रॉप आई है वो 2 आई है, जिंजर एंड टर्मरिक। ऑनियन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन ध्यान में रख लेना है। यही आपका पूरा ऑयल सीड क्रॉप हो गया, और यहाँ आपका पल्सेस डिवाइड हो गया। बात करें कि क्या एडवांटेज है क्रॉप रोटेशन के और आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में, कि क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज है आईएफएस के। यही देखते हैं वीड। नॉर्मली वीड्स का क्लासिफिकेशन, जैसे कि वीड्स की जो पत्तियां है बेसिस ऑन द लीफ, लीफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफाई हुआ है वीड। हाँ, लाइफ साइकिल के बेसिस पे, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि वीड एंड देयर क्लासिफिकेशन। आप हार्मफुल वीड्स के बारे में, बेनिफिशियल वीड्स के नाम याद रखिए, जैसे हार्मफुल में पार्थेनियम है, यही बेनिफिशियल की बात करें चिकोरियम इंटाइबल, जैसे कि वो कॉफी के लिए यूज होता है। तो ये जस्ट लाइक इस टाइप का आपको एक रूटीन एग्जाम के लिए आपको वेटेज करके रखना चाहिए, याद करके रखना जरूरी है। एग्रोमेट्रोलॉजी की बात करें, यस द कैरेक्टरिस्टिक एंड कंडीशन ऑफ द क्लाइमेट एंड वेदर, दिस इज इम्पोर्टेंट। अनदर इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड देयर डिफरेंट टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं मेट्रोलॉजी एंड देयर मेजरमेंट, जैसे कि साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर इज रिलेटेड टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यूनिट क्या है? यूनिट डिपेंड ऑन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो बेसिक यूनिट होती है वो एज अ परसेंट होती है। तो जब हमें थ्योरी ही नहीं पता है तो हम कैसे उसको रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे उसमें आ जाएगा, तो याद रखिए। अब बात करते हैं, दिस इज द सेकेंड सेक्शन ऑफ द पेपर वन इज हॉर्टिकल्चर। डिफाइन द हॉर्टिकल्चर डेफिनेशन।
देयर स्कोप इम्पोर्टेंस क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज बेस्ड ऑन द एडिबल क्लाइमेट नॉन क्लाइमेट दैट इज द वन ऑफ द पोर्शन ऑफ योर सिलेबस. देन नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड एंड प्लांटिंग सिस्टम इज मोर इम्पोर्टेंट. ज्यादा वेटेज है प्लांटिंग सिस्टम में आने के चांसेस भी है तो याद रखिए. मैनेजमेंट ऑर्चर्ड सॉइल इरिगेशन ऑफ द डिफरेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ड्रेनेज सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस एंड डिफरेंट ये सभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस होगा. वैसे कि आप जैसे मैं बार बार बता रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस को मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है कि आप ये सब डिटेल आपका ऑनलाइन क्लासेस में पूरा अच्छे से कवर होगा. यहीं अगर हम देखें तो यहीं ये सब आपका हॉर्टिकल्चर सेक्शन है. इस टाइप का हमें हॉर्टिकल्चर को कवर करना है. हॉर्टिकल्चर एक्चुअल में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है. यस, जैसे हम फ्रूट्स क्रॉप की बात करें वेजिटेबल्स की यहाँ राइस आपने सही सुना वेजिटेबल भी यहाँ गिवन है. दूसरा चीज अगर बात करें तो जैसे वेजिटेबल्स हो गया यहाँ प्रिजर्वेशन के बारे में भी है तो प्रिजर्वेशन एक बिग टॉपिक हो गया डिस्कशन वाइज. बट यहाँ फ्लोरिकल्चर का भी लिटिल पोर्शन उनने दिया हुआ है सिलेबस के अंदर जो स्पेसिफिकली फ्लोरिकल्चर जो अरुणाचल प्रदेश में होता है. बात करें प्लांट फिजियोलॉजी राइट. प्लांट फिजियोलॉजी तो काफी वेटेज होता है हर एग्जाम के लिए. तो प्लांट फिजियोलॉजी में क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मूवमेंट विद इन अ प्लांट. ये प्रोसेस कह सकती है ट्रांसपिरेशन क्या है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन प्रिंसिपल क्या है इंपॉर्टेंस क्या है स्कोप क्या है. इवापोट्रांसपिरेशन जैसे कि ये सिंपल सा है कि प्लांट से भी लॉसेस हो रहा है पानी का सॉइल से भी तो ये प्रोसेस को हम अलग TE कहते हैं. यही आपका ET हो गया इवापोट्रांसपिरेशन के बारे में कि कैसे मेजर करते हैं हम फील्ड में इस टाइप का एक रिटर्न आ सकता है. यही अगर देखा जाए रेस्पिरेशन प्रोसेस रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन ये भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हमने डिस्कस बहुत अच्छे से किया है. यही आप सिंपल सा है रेस्पिरेशन में हो सकता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल इंपॉर्टेंट हो. ग्लाइकोलिसिस साइकिल में याद रखिए ग्लाइकोलिसिस साइकिल बेसिकली तो कौन से सेल और ये साइटोप्लाज्मा में होती है एंड द सिंपल क्वेश्चन इज रिटन फॉर्मेट में आप साइकिल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. यही ग्रोथ हार्मोन्स की बात की जाए यस ACGE और ABA. हार्मोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इंपैक्ट है एग्रीकल्चर फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर में जैसे कि जिब्रेलिक एसिड GA3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइनएप्पल में. तो ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शंस हो गया. प्लांट फिजियोलॉजी में जो लास्ट एंजाइम वाला एक क्वेश्चन काफी वेटेज होता है तो ये भी हम डिस्कस करेंगे. बात करते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग. जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में सेल कंपोनेंट कॉन्सेप्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस म्यूटेशन इवोल्यूशन एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन एंड जीन एक्शन प्रिंसिपल इनहेरिटेंस इंट्रैक्शन ऑफ जीन. या इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स इंपॉर्टेंट है 9:7 13:1 50:1 आपको याद रखना है डुप्लीकेट कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन जीन इंट्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है. मॉडिफिकेशन ऑफ G2 रेशियो लिंकेज का टाइप कितने है मेथड क्या है कहाँ यूज करते हैं क्या पर्पस है क्रॉसिंग ओवर दिस इज अ बोथ आर वेटेज टॉपिक. प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ द ब्रीडिंग एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्रीडिंग मैथड. हाँ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन सी ब्रीडिंग मैथड इज यूज वैसे क्रॉस पॉलिनेटेड तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेटेड पॉलिनेशन के एग्जाम्पल एंड द स्पेसिफिक मैथड ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग इज यूज. बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिफरेंट क्रॉप राइस वीट मेज वेजिटेबल. यहाँ आपको दूसरे अलग अलग क्रॉप में क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ये आपका हुआ कंप्लीट 4th paper 1 का जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग. बात करते हैं 5th जो आपको बहुत फेवरेट हो सकता है बिकॉज ऑफ विदाउट सॉइल तो कोई भी क्रॉप ग्रोइंग नहीं करते है ना बेसिकली. तो चलिए
सॉइल साइंस के बारे में बात करते हैं। सॉइल साइंस में बेसिक क्वेश्चन है कि हाँ, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल में सभी को पता है सबसे ज्यादा 45% जो है वो मिनरल होता है, 5% जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है, और ऐसे ही 25% आपका एयर एंड वाटर होता है ना। जब आप थ्योरी लिखेंगे, रिटर्न लिखेंगे, तो आपको फिगर तो बनाना पड़ेगा ना। जैसे आपको नंबर स्कोर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो चीज आपको यहाँ सिखाई जाएगी। यही बात करते हैं सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर। हाँ, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉइल, ये आपके चैप्टर में है। सॉइल कोलाइड सबसे वेटेज वाला टॉपिक है, क्योंकि सभी बच्चे 2:1 एंड 1:1 को तो जानते ही होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल पीएच वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब सॉइल पीएच के बारे में बात करते हैं तो सभी को, जब हम रिटन फॉर्म की बात करते हैं, तो आपको स्केल बनानी आनी चाहिए। इस टाइप का कुछ आप कर सकते हैं, लेस देन मोर देन, तो ये स्केल आपको पता होना चाहिए। और जब आप रिटन फॉर्म की बात करते हैं तो आपको एक फिगर बनाने आना चाहिए कोई भी टॉपिक पे। ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस फॉर्मेशन, ये हमारे टॉपिक में सीएन रेशियो याद रखना है सभी का। यही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ अमोनिफिकेशन प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन, ये तो कन्फर्म आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। नाइट्रिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना कि आपकी क्लासेस कैसे चलेंगी, यहाँ आपका सिलेबस भी दिया हुआ है। तो यहाँ आप एक तरीके से नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, जैसे कि हम बात करें एक एग्जांपल से, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में सभी को पता है अमोनिया प्रोसेस जो है, पहले अमोनिया जो है वो कैसे अमोनियम एनओ टू बनाता है और एनओ थ्री बनाता है, और ये दो स्टेप में ये प्रोसेस होती है। बट ये कि याद रखिए, जब ये प्रोसेस कब कंप्लीट होंगी, यू नो वेरी वेल अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। जब आप इसकी थ्योरी समझेंगे तब आप ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जब रिटन क्वेश्चन आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। राइटिंग आप लोगों की कैसी भी है उसमें कोई फर्क नहीं है, अगर आपका राइटिंग वे अगर गुड है तो आप उसको मार्क्स ले सकते हो। यही याद रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की है तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये दो ही बहुत महत्वपूर्ण माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी। या एवरीवन नो वेरी वेल द सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है। बेसिकली कैपेसिटी सॉइल की जो प्रोड्यूस करती है क्रॉप यील्ड, उसको हम कहते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी। और जो सॉइल प्लांट को जो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस कर, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, उसको हम कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी। या बेसिक सिम्टम्स काफी इंपॉर्टेंट है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के, एवरी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के बेसिक सिम्टम्स याद होने चाहिए। जैसे नाइट्रोजन का है ना, नाइट्रोजन में जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है विद द डिफिशियंसी, वो आपको याद होना चाहिए। नाइट्रोजन का बेसिकली बटनिंग जो है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द नाइट्रोजन के कारण, और बटनिंग जो प्रोसेस है वो किस में होती है, कौन सी क्रॉप में होती है, ये आपको याद रखना है। यही फिक्सेशन अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है और वो कैसे प्लांट में मूव आउट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो मैक्रो, मैक्रो माइक्रो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल नॉन मेटल, इस टाइप का एक रिटर्न आपका इसके अंदर क्वेश्चंस अलग अलग डिफरेंट फॉर्म के बनेंगे, वो सब डिस्कस होगा। बायो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड दिस, ये टॉपिक आपका सॉइल का है, सॉइल काफी बड़ा है, वेटेज है। केमिकल फर्टिलाइजर में, यस केमिकल फर्टिलाइजर में यहाँ समझो, केमिकल फर्टिलाइजर जो डिवाइड होते हैं, जैसे सपोज डेट वन ऑफ द एग्जांपल इज फॉस्फोरस का लेती हूँ। फॉस्फोरस के सभी स्टूडेंट को यू नो वेरी वेल कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं डीएपी और एसएसपी,
है ना। बट यहाँ जब आपको थ्योरी में लिखना है तो आप डीएपी और एसएसपी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको उसने क्लासिफिकेशन ऑफ फॉस्फोरस फर्टिलाइजर दिया, तो आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि रिटर्न है तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव होता तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। यही डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ये डायग्राम हम हमेशा फोटो में देख के खुश होते थे, बट ये कि अब आपको वापस से वक्त आ गया कि आप इस टाइप का कॉपी में बनाएंगे जब आपके रिटर्न एग्जाम में आएगा। बकायदा आप यहाँ लिखेंगे ओ, यहाँ ए, यहाँ ई, यहाँ पे जो है बी, यहाँ सी, और ये जो है आपका पोर्शन ये आर। तो ऐसे करके आपको सॉइल प्रोफाइल, इट मीन्स वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, और ये जो है ये लाइन आपका होरिजोन है। यही अगर देखें लाइन कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, राइट, लाइन कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन 1 to 8, जैसे कि हम सभी जानते हैं एग्रीकल्चर कल्टीवेटेड पर्पस के लिए कौन सी एलसीसी इंपॉर्टेंट है, 1 से लेके 4 तक, क्या कलर है, किस सॉइल के लिए सुटेबल है, उसका डेफिनेशन विद देयर पर्पस एंड द टाइप विद देयर कलर बात करें। यही अब स्टार्ट होने जा रहा है हमारा पेपर 2। पेपर 2 में जो कंटेन है वो प्लांट पैथोलॉजी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं पैथोलॉजी में कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजीज इन प्लांट, इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस, वेरियस पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक डिजीज, डायग्नोस्टिक ऑफ प्लांट डिजीज, स्टेजेस, डिफरेंट डेवलपमेंट, यही प्रिंसिपल डिजीज मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट डिफरेंट क्रॉप है याद रखिए, वही यही कॉमन डिजीजेस, मेजर फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेजर पल्सेस, ऑयल सीड, कमर्शियल क्रॉप में क्या क्या दिया है, कमर्शियल में यहाँ थोड़ा इनोवेटिव दे दिया, ये चिल्ली भी कमर्शियल में पूछ लिया है, हाँ ये तो इसमें हॉर्टिकल्चर में आएगा बट यहाँ भी दे दिया। चलिए कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज सिम्टम्स एंड कंट्रोल मेजर्स, इम्पॉर्टेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी इसके अंदर डाल दिए, हाँ इसके अंदर ही आना चाहिए बिकॉज ऑफ पैथोलॉजी पैथोजन, माइक्रोबायोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस एंड एंटीबायोटिक, थोड़ा बड़ा टॉपिक था प्लांट पैथोलॉजी, राइट, अब खत्म हुआ और पेपर 2 स्टार्ट हो रहा है, सेकंड सेक्शन एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंदर निमेटोलॉजी भी यहीं इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ हम पहले बात करते हैं टारगेटिव, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट, दूसरा है डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड कंट्रोल, बेसिक हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए निमेटोड्स देयर पैथोसिटी, आइडेंटिफिकेशन नेचर ऑफ द इंसेक्ट डैमेज, जैसे कि सपोज डैट पिंक बॉल वॉर्म, सभी जानते हैं बहुत अच्छे से ना, पिंक बॉल वॉर्म जो है वो बेसिकली बहुत सीरियस इंसेक्ट पेस्ट है कॉटन का, ओके तो लेपिडोप्टेरा जो है यहाँ डैमेजिंग स्टेज भी पूछी है, लेपिडोप्टेरा लार्वी, यही देखे आपको हिस्ट्री, सीजनल इंसेक्ट पेस्ट ऑक्रेंसेस एंड देयर पेस्ट मैनेजमेंट, यही हम पूरी फील्ड क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल का हमें अच्छे से रिवीजन करना होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में दिया हुआ है, एंड टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन इंसेक्टिसाइड, और लास्ट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स एंड देयर मेंटेनेंस एंड देयर यूज। तो ये आपका पूरा टॉपिक हुआ एंटोमोलॉजी जो सेक्शन है। बात करें थर्ड टॉपिक की, जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन में बात करें तो हाँ एक बहुत छोटा सा टॉपिक दिखता है बट उतना होता नहीं है, कितने सिंपल लाइन में दिया है 4 टाइप्स का, बट ये रिटर्न एग्जाम है इसलिए हमारा वेटेज भी सबसे ज्यादा रिटर्न में एक्सटेंशन एजुकेशन में भी होता है। डेफिनेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सटेंशन एजुकेशन, इम्पोर्टेंस एक्सटेंशन एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंशन रीडिंग मैथड, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन यूज एक्सटेंशन टीचिंग मैथड, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑडियो विजिबल एड इन द डिफरेंट एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवोल्यूशन। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है
देखने में बार बार बता रही हूँ, एक्सटेंशन बहुत बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, बट रिटर्न जब आप लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल आपको सॉलिड लिखना है तभी आपको रिटर्न मार्क्स आएंगे। इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा खतरनाक वाला टॉपिक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, बट वेटेज ये दोनों में ही सबसे ज्यादा है। यहाँ देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, वर्ड्स, गुड्स, वेल्थ, वेलफेयर, वैल्यू प्राइस, कंजप्शन, एक्सचेंज फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डायरेक्टली इससे ही क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, ये है डिवीजन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फार्मिंग सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, फार्मिंग सिस्टम एंड टाइप ऑफ फार्म एंड डाइवर्सिंग फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला और उसका पर्पस, इंपॉर्टेंस फार्म मैनेजमेंट, रिलेशन बिट विथ अदर साइंसेस, एडवांटेज ऑफ द फार्म रिकॉर्ड एंड अकाउंट एंड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड द एक्ट डिफरेंट फाइनेंशियल फिजिकल एंड। यही फार्म मैनेजमेंट में कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुए, कौन सा मैनेजमेंट है, प्लानिंग लेबर्स, कॉस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है फार्म लेआउट। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द पेपर टू, तो आप देख सकते हैं स्कोप ऑफ फार्म मैकेनिज्म एंड देयर बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन, यही बात करें सोर्स ऑफ फार्म पावर, इंटरनल कंबशन, एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट द ट्रैक्टर टाइप, सिस्टम ऑफ सॉइल टिलेज, अलग अलग इम्प्लीमेंट, इंटरकल्चर के लिए कौन से यूज करते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए कौन से, थ्रेसिंग के लिए, ये पता होना चाहिए उसका पर्पस, उसका एडवांटेज, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशन, ड्रेनेज इंजीनियरिंग, सर्वेइंग एंड लेवलिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, ग्रीन डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग, फील्ड स्ट्रक्चर एंड सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है दिस इज अ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सॉइल एज वेल एज द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियर। सो दिस सेक्शन इज फिफ्थ सेक्शन एग्रीकल्चर इंजीनियर। सो हाँ, तो आप ये क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जो भी इससे रिलेटेड इंक्वायरी है 7827679268 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और आप हमारा एग्री कोचिंग दिल्ली ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एग्री कोचिंग दिल्ली ऑफिशियल चैनल, और आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए agricoachingdelhi.com। थैंक यू सो मच।